हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। आप लोग पैसिफिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई एकदम नया है, कोई कुछ दिन पुराना हो गया, लेकिन इंस्टीट्यूट में इसके प्रेमिसेस में या अगर हॉस्टल है इसमें रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली इसको हम सेफ्टी इंडक्शन कहते हैं, यानी ताकि आप यहाँ के कल्चर से, यहाँ पे रहने के तौर तरीके से इंट्रोड्यूस हो सके। इसको हम सेफ्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ताकि आप लोग जो यहाँ पर पहली बार आए हैं या बिजनेस रह भी रहे हैं, उनको यहाँ के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के कल्चर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, कुछ जनरल रूल्स हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए और इसको इसको फॉलो करिए। ठीक, जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा सीवियर होगा तो हो सकता है एक्सटर्नल अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इन चीज़ों को फॉलो करिए। जैसे प्लेइंग लाउड म्यूजिक और मेकिंग नॉइस इज नॉट अलाउड, है ना। जोर से म्यूजिक बजाना या चिल्लाना जोर से दूसरे को डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन साइलेंस इन द एकेडमिक बिल्डिंग एंड प्रेमिसेस। एनी डेविएंट बिहेवियर सच एज हूटिंग, व्हिसलिंग, loitering will be treated as an instance of indiscipline. ठीक, इस तरह की कोई चीज़ अलाउड नहीं है। नो विजिटर्स और टू द हॉस्टल्स इंक्लूडिंग द पेरेंट्स गार्जियंस आर अलाउड। इंस्टीट्यूट हॉस्टल के अंदर पेरेंट्स या गार्जियंस अलाउड नहीं है कोई भी, है ना। इन केस गेस्ट वॉन्ट टू मीट और स्टे ओवर नाइट, दे शैल सबमिट देयर आईडी प्रूफ एंड इन्फॉर्म पिश मैनेजमेंट। अगर किसी को बुलाना है, रात में रुकना है, कुछ कोई भी इशू है, तो पहले आप इन्फॉर्म करिए अपना आईडी या जो गेस्ट है उसका आईडी सबमिट करिए कि हाँ यहाँ पे हम रुकेंगे, इन्फॉर्म करिए। बिना बताए बिना बुलाए आप किसी को इसमें बुला नहीं सकते। फीमेल्स आर नॉट अलाउड इन द हॉस्टल। एनी काइंड ऑफ कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल गैदरिंग, टॉक्स, डिस्कशंस और डिबेट्स आर नॉट अलाउड इन द हॉस्टल। कोई भी बहस किसी भी तरह की हॉस्टल में अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टफ दे ब्रिंग टू द इंस्टीट्यूट। कोई भी सामान लेके आ रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर रख रहा है, उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी ना। हीटर्स हैं, प्रेस है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई ऐसा सामान है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, ना कोई केमिकल है, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक, हरासमेंट और बुलिंग विल डायरेक्टली रिजल्ट इन एक्सपल्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। सॉरी, ये किसी को चिल्लाना, किसी को हरास करना किसी भी तरह से, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको पूरा राइट है, अगर आपको कोई बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, कोई चिल्ला रहा है, कोई धमका रहा है रात में या दिन में, आप फौरन इन्फॉर्म करिए कि ये मुझे परेशान कर रहा है ना, हमारे साथ बदतमीजी करता है, हमको धमकाता है, हमको डराता है, चार लड़के मिलके हमको परेशान करते हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी को भी ऐसा है वो फौरन इन्फॉर्म करे। एवरी केस ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट। अगर किसी को चोट लगता है, कोई बीमार पड़ता है, फौरन आप बताइए। यहाँ पे आस पास बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, इमीडिएटली आप उसको लेके भी जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि पड़े हैं बीमार, किसी को पता नहीं है, कोई बता नहीं रहा है, आपको लगता है, मोबाइल है, नंबर नोट कर लीजिए, रिसेप्शन पर नंबर लिखा हुआ है, बताइए हमारी तबीयत ठीक नहीं है दो दिन से या आज जो भी है, बहाना नहीं मारना है। लेकिन सीरियस केस कोई भी ऐसा है, बीमारी है, कोई तबीयत खराब है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। इन केस ऑफ लीव फ्रॉम हॉस्टल और फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, द स्टूडेंट मस्ट इन्फॉर्म द एंड कंप्लीट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अगर आपको जाना है कुछ काम से इंस्टीट्यूट से बाहर, यानी आस पास जा रहे हैं चाय पीने के लिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप टेढ़ी पुलिया या उसके ऊपर कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर में नोट करके जाइए, मैं जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ, इतनी बजे तक या इतनी देर तक लौट के आऊँगा, ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्लियर, घर जा रहे हैं तब भी। ठीक, वेयरिंग ओपन शर्ट्स, शॉर्ट्स एंड इनअप्रोप्रिएट क्लोथ्स आर एंड एंटरिंग क्लासरूम और ऑफिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक, ओनली फॉर्मल क्लोथ्स आर अलाउड, ना चप्पल पहन के या इस तरह की चीज़ें, शॉर्ट्स पहनकर, बनियान पहन के यहाँ पे नहीं आना, ना क्लास में, ना ऑफिस में। हॉस्टल में रहिए, उधर उस एरिया में उस तरह की चीज़ें नहीं, वहाँ पर भी इतना इनअप्रोप्रिएट नहीं कि चड्डी पहन घूम रहे हैं, ये भी अलाउड नहीं।
ठीक। इन केस ऑफ फायर, अगर आग लगती है तो काइंडली असेंबल इन असेंबली एरिया। असेंबली एरिया किधर है? ठीक, असेंबली एरिया। स्कूलों में असेंबली होती थी ना, सब लोग सुबह पहले जाके इकट्ठा होते थे, वहां पर प्रेयर होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी एक्टिविटी, वो असेंबली एरिया जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो इमरजेंसी में, इनकेस ऑफ फायर, कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप लोगों को उस असेंबली एरिया में इकट्ठा होना है। ओके, एज टोल्ड इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट, पुटिंग ऑफ द फायर विदाउट नॉलेज में लीड टू फायर पिक। अगर आपको आग बुझाना नहीं आता तो आप जबरदस्ती आग बुझाने की कोशिश नहीं करें, ठीक, उसे और आग भड़क सकती है और मुसीबत आ सकती है। आपको सिंपली अगर कहीं लग रहा है, आप फौरन बाहर निकलिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। बहुत से लोग यहाँ पे फायर के बारे में ट्रेनिंग ले चुके हैं, मैं खुद फायर वार्डन हूँ यहाँ पर, अगर कुछ होगा तो हम फौरन एक्शन लेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है, यूज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली एंड मेंटेन हाइजीन इनसाइड द कैंपस। पानी का या बिजली का सही से इस्तेमाल करिए। दो वजह है, तो इकोनॉमी प्लस ये एक अच्छा सिटीजन होने की निशानी भी है। आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, पंखा छोड़ के लाइट चलती हुई छोड़ के जा रहे हैं, बिजली के नुकसान तो अलग है। आपको मालूम है कितनी बिजली कटौती से परेशानी होती है। बहुत से लोग जो कि हमारा बिहेवियर इस तरह का है, हर जगह लाइट पंखे का ध्यान नहीं रखते। आजकल थोड़ी थोड़ी देर के लिए लाइट बहुत कीमती है। अब सोचिए हमारे यहाँ थोड़ी लाइट जाती है, कितनी परेशानी होती है। और आपके छोटे से बिहेवियर की वजह से ये जो लाइट इकट्ठा होती है ना, एनर्जी जो सेव, उसको कहीं नहीं, कहीं गांव में, कहीं छोटे से इलाके में अगर थोड़ी देर लाइट मिलेगी तो बड़ा सुकून मिलेगा। तो बिजली का इस्तेमाल सिंसियरली करिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करिए, जितनी ज़रूरत है इस्तेमाल करिए, अननेसेसरी उसको बर्बाद नहीं करिए। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी। खुद कोई भी तार लगाना कहीं, है ना, या टूटा फूटा तार को जुगाड़ करना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं। हॉस्टल में बिल्कुल नहीं करिए काम, भाई आपको यहाँ बल्ब जलाना है, कोई देखने वाला, आपने तार लिया यहाँ पे खोस दिया, उसके बाद इसको चलाना शुरू कर दिया, ये काम बिल्कुल नहीं करिए, बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं इसकी वजह से। डू नॉट ओवरलोड द सॉकेट, ओवरलोडिंग कैन कॉज सीरियस बर्न एंड इलेक्ट्रिक्यूशन। ओवरलोडिंग यानी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मल्टीप्लग लगाते लगाते उसको सॉकेट को ओवरलोड नहीं करिए, जलेगा, आग लगेगी, सबके लिए मुसीबत होगी। नो एडिशनल लोडिंग, डू नॉट पुट एक्सटर्नल अनऑथराइज केबल इन टू द सॉकेट। एक्सटेंशन केबल, एक्सटेंशन सॉकेट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल हीटर्स और ब्लोअर इज नॉट अलाउड। कोई भी पकड़ा जाएगा अगर, तो सीधे एक्सपेंस है प्लस फाइन भी है। ओके, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिवाइस, प्लग, सॉकेट एक्सेट्रा बेयर फिट इन मॉइस्ट कंडीशन। नंगे पैर कोई भी बिजली का ग्रह, कोई भी चीज़ इस्तेमाल छूना होना नहीं, ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट शुड स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। डिसिप्लिन रिएक्शंस, मेंटेन गुड कोड ऑफ कंडक्ट। आपस में बातचीत, यहाँ पे आए हैं आप लोग कुछ कोई छः महीने साल भर के लिए, जो लोग भी आए हैं, आपस में एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए। यहाँ से बनाए हुए रिलेशन आप लोग बहुत लाइफ टाइम काम आते हैं। हमारे शुरू के जो बैच के स्टूडेंट्स हैं वो आज भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये रिलेशन ही बनते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, आप महीनों साथ में रहेंगे ना, एक दूसरे को जानेंगे, सीखेंगे एक दूसरे से, ये अच्छे रिलेशन बने रहेंगे, आपको हमेशा काम आएंगे। एक आदमी परेशान है, उसको जॉब नहीं है, छूट गई है, दूसरे के पास जॉब है, वो फॉरन इन्फॉर्म भी करता है, करते भी हैं लोग। लेकिन अगर यहीं से आप आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक ही प्रोफेशन में आने वाले हैं ना सब। अगर आप किसी और कॉलेज में होते तो एक आर्ट्स का है, एक साइंस का है, एक इंजीनियरिंग का है, वो अलग अलग यहाँ जॉब करेंगे, उनका आपस में रिलेशन होना ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर चूंकि सब एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है अभी भी, और किसी की हालत कैसे बदलते हैं वो सारे रिलेशन यहीं पर डेवलप होते हैं। तो आपस में छोटी मोटी बातों को इग्नोर करिए, है ना, या साफ साफ बता दीजिए, या डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं आप एक कंप्लेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए कि हमको इस तरह से एक्टिविटीज होती है, परेशानी होती है। अगर आप बोल नहीं पाते कोई बात नहीं, आपको लगता है कि बोलने से वो नाराज़ हो जाएगा,
तो आप यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स देखा आपने यहाँ पे लगा हुआ, ठीक, छोटा सा फॉर्म है मैडम के पास रखा हुआ है, उसको लिखिए। आपको अपना नाम बताना है तो ठीक है, नहीं बताना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी शिकायत या अपने सजेशन इसमें डालिए, ठीक। मेंटेन गुड कोड ऑफ कंडक्ट विद योर फेलो मेट्स एंड नेबर्स, गेटिंग एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग मिसकंडक्ट मे लीड टू गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द हॉस्टल और द इंस्टीट्यूट। किसी के साथ बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, इस तरह कोई भी हरकत करना एक तो अच्छी आदत नहीं है, दूसरा इट में लीड टू एक्सपेल्शन, आपको बिना कोई सवाल जवाब किए, अगर आप प्रूफ मिल गया, चार आदमी ने बोल दिया कि हाँ हमने देखा गाली गलौज करते हुए, या कैमरे लगे यहाँ पर बहुत सारे, वो अगर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर इसमें कोई सेकेंड चांस वाली कहानी नहीं है। सर सॉरी, सर देर इज नो सॉरी, ओके। जनरल हेल्थ एंड हाइजीन, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक ड्रग्स इन एनी फॉर्म, च्यूइंग पान मसाला, माउथ फ्रेशनर, च्यूइंग गम, है ना, सुपारी एक्सेट्रा इज प्रोहिबिटेड। नशे की कोई भी शक्ल, माइल्ड हो चाहे सीवियर हो, अलाउड नहीं, एकदम अलाउड नहीं है, है ना। इन हॉस्टल गेटिंग कॉट डूइंग द सेम इज पनिशेबल, ओके। देर इज फाइन ऑफ ₹2,000 ऑन अ पर्सन हु इज फाउंड स्पिटिंग इन द प्रेमिसेस एंड ₹2,000 ऑन एवरी पर्सन इन द हॉस्टल रूम इफ फाउंड। कोई आदमी थूक रहा है, पान मसाला खा रहा है इधर उधर, तो अगर पकड़ा जाएगा उस पर फाइन है, हॉस्टल में वो काम कर रहा है तो सबकी जिम्मेदारी है कि बताया कि हाँ ये यहाँ पे हरकत ऐसे कर रहा है, नहीं करेगा नहीं बताएगा और तो सब पे फाइन पड़ेगा, बराबर समझ रहे हैं। एक बार थूका आपने या कोई ऐसी चीज फेंकी गंदगी की, उसमें तो फाइन पड़ेगा और आपने बता दिया, और नहीं बताया तो जितने लोग हैं सबका माइंड उसके लिए जिम्मेदार बन जाएंगे। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस अंडर एंड अराउंड योर बेड एज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मेस। आपके बेड के नीचे आसपास ये जिम्मेदारी आपकी है। हर बेड के साथ हमने डस्टबिन दी हुई है, कचरा फेंकना है उसमें फेंकी, है ना। सोते हुए बिस्किट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, नीचे डाल दिया, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, बेड के नीचे, नॉट अलाउड, ओके। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ इंस्टीट्यूट लाइक फर्नीचर एक्सेट्रा शुड बी यूज केयरफुली एंड कॉजिंग डैमेज विल बी फाइन। जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे आप चीज़ें हैं आप ही के लिए हैं, उसको सही से इस्तेमाल करिए, केयर करिए, है ना। और अगर उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, ओके। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स, ठीक, ये नंबर है, ये सबको मालूम है आपको, ठीक ना। कुछ इमरजेंसी है कुछ भी तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे तरह से रहना, सीखना, पढ़ने के लिए आए हैं खूब कायदे से पढ़िए, मेहनत से करिए। लाइब्रेरी है 24 आवर खुली रहती है ना। हॉस्टल के अंदर 11 बजे के बाद लाइट जलना अलाउड नहीं है। म्यूजिक चलाना, ज़ोर से बोलना, चिल्लाना, किसी भी तरह की चीज़, 11 बजे के बाद अगर आपको पढ़ाई करनी है लाइब्रेरी खुली हुई है। एक आदमी सोना चाह रहा है, दूसरा पढ़ना चाह रहा है या बात करना चाहता है, वो बाहर जाए ना, वहाँ पर दूसरे को अगर घर हमको सोना है, एक आदमी भी कह रहा है कि हमको सोना है, बाकी लोग अगर 3 लोग इकट्ठा के नहीं तो एक ही बात मानी जाएगी। आफ्टर 11 o'clock इन द नाइट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बात करना है, कुछ भी करना है, पढ़ना है तो लाइब्रेरी है, उससे पहले ओके ठीक है। इसके अलावा भी अगर वो तबीयत ठीक नहीं, किसी वहाँ पर उसमें बुखार है किसी को, वो अगर 9 बजे भी कह रहा है कि लाइट बंद कर दिए मुझको आराम करना है, तो उसकी बात मानी जाएगी। ये नहीं कि अभी 11 कहाँ बजा है, ऐसा नहीं, ठीक। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ सवाल करना हो, थैंक यू।